everyone my name is dilka shafreen so this is going to be my first video for you all so here i'll be talking about the managerial roles that is given by henry minzberg as you all must be knowing about henry minzberg he was an author okay so this is basically a topic of organization behavior सो इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर कोट फिफ्टी फाइव और पेपर कोट सेवेंटीन और कॉमर्स देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो ओके बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैव क्वालिफाइड माई जे आर एफ दिस ईयर सो मैं इस वीडियो में और आगे जो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही बात करूँगी दोज टॉपिक्स यू जस्ट कॉन्ट अफोर्ड टू स्किप ट्रस्ट मी गाइज अगर आप लोग ये सारे टॉपिक्स करेंगे क्योंकि ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर के रेफरेंस से ही आपको बताऊँगी जो रिपीटिव रिपीटेशन पे आते हैं रिपीटेटिव होते हैं सो यू ऑल शुड नोट एटलीस्ट यू ऑल शुड नाट इस्किप ऑल दिस टॉपिक्स दैट आई बी कवरिंग इन माई वीडियोज़ सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो So as I have already said that the roles of manager is very important in the organization as you all must be knowing. So there are various roles in the organization of a manager, but Henry Mintzberg has defined ten primary roles, or we can say the ten primary behaviors of a manager. He has given three functions, and uh, टेन प्राइमरी रोल्स यू ऑल मस्ट नो दिस द सेकेंड पॉइंट इन दिस ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दैट ही मैंशनड दीज रोल्स इन हीज बुक मीन्स पर्क ऑन मैनेजमेंट इन साइड आर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो वेयर ही हैज़ मैंशनड दिज रोल्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पेपर में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं कि वॉट आर द फ्शन्स ऑल द कैटेगरीज

इंटरपोर्सनल बेसिकली मीन्स होता है बातचीत दो लोगों से ज़्यादा अगर लोगों की जहाँ बातचीत होती है दो लोगों से ज़्यादा जहाँ लोग इन्वाल्व होते हैं दैट इज़ इंटरपोर्सनल देंड वन इज़ रिलेटेड टू इंफॉमेशनल एंड द थर्ड वन इज़ रिलेटेड टू डिसीज़न मेकिंग ऑफ एंड एंड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज मैनेजर्स वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन सो इट इज़ ऑबियस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ये एक चार्ट है जिसमें मैंने डिवाइड किया है रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो इंटरपर्सनल रोल के अंदर जो प्राइमरी रोल्स आते हैं वो होता है फर्स्ट वन इज़ फिगर है ओके द सेकेंड वन इज लीडर द थर्ड वन इज़ लेन इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर क्या आते हैं मॉनिटर डिसमिनेटर एंड इस्पोक्स पर्सन द थर्ड वन इज डिसीजनल इसके अंदर क्या क्या आता है आंटपिनो डिस्टर्बेंस हैंडलर रिसोर्स एलोकेटर एंड द फोर्थ वन इज़ निगोशिएटर सो इस चार्ट को बेसिकली आप लोगों को रिमेंबर कर लेना है लर्न कर लेना है कि इंटरपर्सनल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जिसमें आप लोगों को फोर यू नो प्राइमरी रोल्स दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कौन सा डिसीजनल रोल नहीं है कोई सा एक उठाकर इंफॉर्मेशनल रोल लाइक डिसेमिनेटर ले लिया जाएगा और उसमें और सारे डिसीजनल uh, के ले लिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कौन सा इंफॉर्मेशनल नहीं है तो इस टाइप करके बहुत सारे क्वेश्चंस इस चार्ट से ही इस अकेले चार्ट से ही फ्रेम हो सकते हैं सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिसचार्ट थ्रोली और डिफरेंशिएट करना भी आप लोगों को आना चाहिए कि फिगर हेड कैसे डिफरेंट है लीडर से लीडर इज़ हाउ लीडर इज़ डिफरेंट फ्रॉम लियजन सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सो द फर्स्ट ए वन इज़ द फर्स्ट कैटेगरी इज़ इंटरपर्सनल और द फर्स्ट फंक्शन इज इंटरपर्सनल सो इसके अंडर जो जो, जो रोल्स प्राइमरी रोल्स आते हैं दैट इज़ फिगर हेड लीडर लियजन सो फर्स्ट आई बी डिस्कसिंग अबाउट फिगर हेड फिगर हेड बेसिकली क्या होता है फिगर हेड आर दोज पर्सन और द मैनेजर हु परफॉर्म सिम्बॉलिक ड्यूटीज ओके ही इज़ बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक ही इज दी कैन से दैट ही इज़ द सेमोनियल हैड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समाइम्स वॉट हैपेंस कि बाहर से विजिटर्स आते हैं तो देर या सोशल इवेंट्स होते हैं तो देयर शुड बी अ मैनेजर हु डज हैज़ टू बी देयर सो so, अगर उस टाइप के जो ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग फिगर हेड करते हैं ही फिगर हेड कहते हैं सो so, ही क्या होगा दैट मैनेजर इज़ वॉट टाइप ऑफ रोल ही इज़ डूइंग ही इज़ डूइंग द फिगर हेड रोल द सेकेंड वन इज़ लीडर सो so लीडरशिप आप लोगों ने पढ़ा होगा और उससे तो लीडर का आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा सो so लीडर क्या होता है लीडर लीडर किस टाइप के रोल को परफॉर्म करते हैं ही बेसिकली मोटिवेट्स इंस्पायर द इम्प्लॉयज़ मोटिवेट्स द इम्प्लॉयज़ ही गाइड ही गिव्स गाइडलाइंस ही लीड्स द इम्प्लॉय ठीक है तो ऐसे होते हैं कोच करता है वो इम्प्लॉयज़ को बिकॉज अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन देयर इम्प्लॉयज़ ओके द थर्ड वन सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट द इम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर देम टू टेक केयर ऑफ देम द थर्ड वन इज़ लियजन लियएजन बेसिकली इज़ द कनेक्टिंग लिंक ओके कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं लियजन को मीडिएटर कह सकते हैं क्यों ऐसा कहते हैं बिकॉज ही डेवलप्स एंड मेंटेन्स वेब्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वेब्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स मतलब कि ऐसे आप लोग समझिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं कर सकता है सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डील विथ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज़ वेल सो लियजन क्या करता है कि वो एक रिलेशनशिप बना के रखता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल ठीक है ये तीन पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के तरफ जाएंगे सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ इंफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशनल बेसिकली इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट इंफॉर्मेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो इन्फॉर्मेशन के अंदर जो रोल्स हैं मैनेजर के वो मैं अब वन बाई वन आपको बताऊंगी। द फर्स्ट वन इज़ मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है बेसिकली ही कलेक्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर रेलिवेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंगली मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशन सो मोनीटर बेसिकली क्या करता है जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और सो एनी थिंग एनी थिंग फॉर दैट मैटर सो जितने भी टाइप के इंफॉर्मेशन जो कि रेलिवेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो उनको कलेक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो मॉनिटर करता है ऑर्गेनाइजेशन को द सेकेंड वन इज डिसेमिनेटर डिसेमिनेटर क्या करता है बेसिकली डेमिनेटर रोल के अंदर वो आते हैं जो कि इंफॉमेसन को ट्रांसमिट करते हैं from outside the organization to inside because there are very various information that managers get from outside the organization like agar hum logo ko को कस्टमर से related कोई survey अगर बाहर survey I'm so sorry for that uh, कोई भी data और information अगर हम लोगों को बाहर से मिला है तो वो अंदर inside of the organization or the employees वो कैसे आ पाएगा तो वो आ पाएगा हमारा डिसेमिनेटर के थ्रू द थर्ड वन इज़ स्पोक्स मैन स्पोक्स मैन क्या करता है ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्राम इनसाइड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइड तो जो भी अंदर इंसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आउटसाइड वो ट्रांसमिट करता है सो so आप देख सकते हैं डिसेमिनेटर और स्पोक्समैन मैन दीज टू आर ऑपोजिट तो टू इच अदर एक क्या करता है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी और इंफॉर्मेशन रहता है वो बाहर ट्रांसमिट करता है और एक बाहर का जो भी इंफॉमेसन रहता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो इनसाइड ट्रांसमिट करता है ओके होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस दीज़ पॉइंट्स एज वेल द थर्ड वन इज़ डिसीजनल रोड सो डिसीजनल बेसिकली दिस इज़ रिलेटेड टू द डिसज़न मेकिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन

so the first point is entrepreneur entrepreneur kya karta hai? initiate changes and this role can basically uh, what managers do they initiate change and adapts according to the organization change is very important change is the only thing that is constant everything else is not constant change is the only thing that is constant because every organization has to compete with other organization there are technological advancement that is going on so it's very important to update the organization accordingly so change is very important so these uh, managers what they do they basically initiate change they inspire the employees to make changes to adapt changes okay द सेकेंड वन इज़ डिस्टर्बेंस हैंडलर डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या करते हैं दे बेसिकली डील्स विद अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देखिए जो भी प्लान कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्लान करता है वो ज़रूरी नहीं कि उसी हिसाब से वो सब कुछ होता रहे बिकॉज वी आर यू नो मैंने अभी बात की थी कि चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट वाई चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट So agar jab change hoga there will be disturbance there will be situations where unexpected things happen there will be situations where unexpected events are there so it is very important that there should be one person who can handle the disturbance so what does disturbance handler does basically he deals with the unexpected events and contingent situations

निगोशियटर सो वॉट डज नीगोशियटर डू ही बेसिकली ही और शी बेसिकली निगोशिएट्स विद द इंडिविजुअल्स एंड डील्स विद द ऑर्गनाइजेशन नीगोशियेशन बेसिकली मीन्स बातचीत ओके यानी कि कुछ चीज़ आप मानो कुछ चीज़ मैं मानूंगी ट्रेड यूनियन में आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा निगोशिएशन निगोशिएशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज देयर आर डिफरेंट पीपल सो okay? so, ऐसा नहीं है कि सबकी सोच एक जैसी हो सो so, uh, और जो मैं चाहती हूँ वो नेक्स्ट पर्सन मान ले सो देर इज़ अ नेगोशियेटर हु बेसिकली डील्स विद द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गनाइजेशन हु नीगोशियट विद दैट पर्सन सो दैट एवरी थिंग कैन भी इफेक्टिवली डन सो दिस इज़ इट फॉर टूडेज वीडियो होप यू ऑल लाइक द वीडियो And if you have any feedback for me, please, please feel free to comment down below. Thank you so much.